हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद बू एंड आल्सो हैप्पी दुर्गा पूजा एवरीवन। दुर्गा पूजा के ओकेशन में मैं आप लोग के साथ कुछ डीआईवाई शेयर करना चाहती हूँ। सो पहले डीआईवाई के लिए हमें चाहिए एक नोटबुक का कवर, और उसको हमने राउंड शेप में मैंने काट लिया है। और उसके बाद आपके गार्डन में कोई भी पत्ता होगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, ऐसा राउंड शेप में इसको अरेंज करके स्टेपल कर दीजिएगा। इसको और एक लेयर करेंगे, जब फर्स्ट लेयर बन जाएगा सेकेंड लेयर भी ऐसे राउंड करके हम लोग स्टेपलर कर देंगे। अगर स्टेपलर नहीं हुआ तो आप थ्रेड और सुई धागा की मदद से भी आप आराम से इसको सी सकते हैं। और उसके बाद आपके गार्डन में कोई भी फ्लावर होगा आप उसको बीच में रख दीजिएगा। ये बहुत ही सुंदर और प्यारा लुक देता है, और हमारा फर्स्ट ईजी सिंपल DIY रेडी है। आप रोज़ का फ्लावर डाल सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेकेंड DIY है इसके लिए हमें चाहिए, सॉरी मैंने लिया है ये पुराना जो दिया होता है हमारे घर में, हर किसी के घर में होता है, जो कि अनयूज पड़ा हुआ रहता है, तो इसी को लेके हम लोग कुछ आज बनाएंगे। और उसके बाद मैंने ले लिया कुछ कलर्स और पानी और ब्रश। सो बेसिकली मैंने दिए को पहले साफ़ कर लिया था अच्छे से, और उसके बाद इसमें मैं फ़र्स्ट कोटिंग लगा दूँगी। ये पहले वाला येल्लो कोटिंग डाल दिया और इसको सूखने के लिए अभी रख दूँगी। जो बाकी जितने सारे दिए थे उसमें भी मैं रेड ब्लू और येलो सारा कलर डाल दिया, लेकिन ये आप देख सकते हैं सूखने के बाद ये कलर जो है फेडेड आ रही है, तो इसको मैं सेकेंड कोट दूंगी। और सेकेंड कोट देने के बाद ये जब सूख चुका है तो इसमें मैं कुछ पैटर्न बनाऊंगी। आपका मर्ज़ी, आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल पैटर्न बनाया है, बस जो एजेस है इसमें डॉट डॉट बना दिया, और जो दिए का जो मिडिल पोर्शन होता है उसमें मैंने फूल एक बना दिया है छोटी सी, और उसके बाद बस इधर उधर मैंने एक दो डॉट्स लगा दिया है, और सिंपल सा हमारा इजी दिया रेडी है, कलरफुल दिया, जो कि मार्केट में अगर हम ख़रीदने जाए तो हमें कॉस्टली पड़ता है, तो आप घर में आराम से ऐसे पैटर्न बना सकते हैं। आप इसमें दिए भी जला सकते हैं या फिर एज सच आप ऐसे ही इसको सजा के रख सकते हैं। आप देखिए, ये मैंने बस ये सिंपल सिंपल सा पैटर्न बनाया है, अगर आप चाहे तो आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये DIY भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो अगला DIY है इसके लिए भी हम मटका लिया है और जो कलर लिया है, ये मटके को हम लोग पेंट करेंगे। मैंने सारा मटका जो है ग्रीन कलर का पेंट कर लिया था, और करने के बाद बीच में बस मैंने एक वाइट कलर का एक बॉर्डर जैसा राउंड शेप में डाल दिया। अभी मैं बस कुछ भी पैटर्न बनाऊंगी, आपके मर्ज़ी आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं। आप देखिए, ये मैंने येलो और रेड लेके ये कुछ ट्रायंगल शेप का बस मैं बना दे रही हूँ, राउंड सर्कल में ऐसे डाल दिया है। उसके बाद नीचे के पोर्शन में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस ये तीनों कलर लेके ब्लू येलो और रेड लेके बस इसमें मैं जो पहाड़ जैसे हम लोग बनाते हैं ना एक के ऊपर एक, वैसे मैं बनाऊंगी ताकि एक पैटर्न सा ये भरा भरा हुआ लगे। और ये देखिए, ये मटका रेडी हो चुका है, बस मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। अगर आप चाहे आप इससे बहुत अच्छा पैटर्न बना सकते हैं, मैंने बस ऐसे हल्का से दे दिया, पर ये मेरे हिसाब से अच्छा लुक दे रहा है। और जो हमारा फूल था जो हमने बनाया था वो मैंने इसके ऊपर में रख दिया जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस। जो अगला DIY जो हम लोग बनाएंगे ये है, मैंने सोचा कि ऑब्वियसली दुर्गा पूजा है तो क्यों ना दुर्गा माँ को बनाया जाए। मैंने पहले कभी नहीं बनाया दुर्गा माँ की स्केच ऐसे, तो मैंने सोचा देखते हैं मेरे से बनता है कि नहीं। तो ये मैंने बनाया, शायद थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लेकिन फिर भी आई गेस चल जाएगा। जो अगला DIY है इसके लिए मैंने जो नोटबुक का कवर होता है उसमें हाथी के शेप बना लिए थे और इसको कट कर लिया, और इसका बेस मैंने वाइट पेंट कर लिया है। वाइट पेंट कर लिया इसलिए क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट अगर पेंट कर देते तो इसका कलर उभर के नहीं आता, और इसमें एक में मैंने ब्लू एक में ग्रीन पेंट कर दिया है। अभी क्या करेंगे, मैं सिर्फ एक में आपको दिखाऊंगी कि हाथी में मैं कैसे पैटर्न ड्रॉ करूंगी। ये भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको अगर पैटर्न हम लोग बना देते ये थोड़ा ज़्यादा निखर के आता है, इसीलिए बस ये पैटर्न बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कैसे मैं हाथी का जो सर पे है उसको जो लटकन वटकन जो लगाते हैं वैसा बना दिया है, जो इसका फिट है उसमें भी, और सब में ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था और ये बहुत ही इजी है, बस ऐसे बना दिया था। और ये देखिए,
फाइनली ये जब सूख गया था और मैंने नोटबुक के अंदर रख दिया था तो ये स्ट्रेट हो चुका है पूरा। और आप देखिए ये रेडी है डेकोरेशन के लिए। मैंने एक रस्सी पीछे में टाई कर दिया है ताकि हमें वो डेकोरेशन करने के लिए मदद हो। ये हमने शाम को जलाया था। तो ये है जगह जहाँ में हम लोग अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमने दुर्गा माँ को बिठा दिया है, उसके बाद जो हमने जो पत्ते से जो डिज़ाइन बनाया था वो, और दिए सबको अरेंज कर देंगे। एक नया दिया था तो उसको बीच में ऐसे रख दिया क्योंकि फूल हमारा सूख चुका था, और जो हारती हमने बनाए थे वो साइड साइड में लटका के रख साइड में रख दिया है। और इसी के साथ हमारा छोटा सा DIY दुर्गा पूजा के लिए बन के रेडी हो चुका है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा हो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेकिंग टिल दी एंड।